फ्रेंड्स, आज मैं आपको राजस्थान के फेमस गट्टे की सब्ज़ी बनाना बता रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया है और ये मैंने 2-3 लौंग और 4-5 काली मिर्ची जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है उसको भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने धनिया लिया है, खड़ा धनिया है ये, और इसको हम लोग क्रश करके इसमें डाल देंगे। ये मैंने अजवाइन लिया 1 चम्मच, इसको भी हम लोग इस तरह से क्रश करके डालेंगे। ये थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। ये मैंने जीरा डाला है और ये थोड़ी सी हींग डाली है, ये धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है। अब हम इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे मोइन के लिए। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे एकदम अच्छे से, मोइन जो है एकदम अच्छे से मिक्स होना चाहिए इसमें। इस तरह से करते हुए हमें इसको मिक्स कर लेना है एकदम से। ये देखिए मिक्स हो चुका है। अब इसमें 2 चम्मच दही ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने दही ऐड कर लिया। अब हम इसको मिला करके देखेंगे, अगर दही ज़्यादा डल जाएगा तो ये पतला हो जाएगा, इसीलिए इसको मिला के देख लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा लगाएंगे। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर ही हमें करना है, नहीं तो बेसन बहुत जल्दी पतला हो जाता है। देखिए इस तरह से करते हुए ये मैंने आटा लगा लिया है। आटा हमें पूरी का, जैसे जिस तरह से हम लोग पूरी का आटा लगाते हैं उसी तरह से हमें लगाना है इसको। और अब 1 चम्मच घी डाल करके हम इसको थोड़ा सा अच्छे से करके रख देंगे, इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। यहाँ पे मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा पानी गर्म हो रहा है तब तक हम लोग देखते हैं। ये देखिए ये आटा हमारा पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इसके गट्टे बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा आटा तोड़ करके ले लिया है और इसको इस तरह से दबाते हुए इस तरह से हम गोल गोल हाथों से इसको गोल गोल करते हुए लंबा बेल लेना है हमें। देखिए और इधर हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, तो अब क्या करेंगे इसको उठा करके पानी में इस तरह से हमें रख देना है। अब इसी तरह से करते हुए बाकी के बचे हुए आटे से भी हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से फिर हाथों से इसको दबाते हुए इस तरह से हमें बनाना है। और इसको भी हम इस तरह से पानी में रख देंगे। अब बचे हुए आटे से भी बना लेते हैं। और इसको भी रख देते हैं। अब हम इसको ढक करके 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। और जब तक ये गट्टे बन करके रेडी हो रहे हैं तब तक इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कटोरी दही लिया है और उसमें ये मैंने धनिया पाउडर डाला है लगभग 1.5 चम्मच के आसपास, और ये थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, ये कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम लोग, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, नमक हमें अंदाज से डालना होगा क्योंकि पहले भी हम लोग उसमें गट्टे में नमक ऐड कर चुके हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए मिक्स हो चुका है, हम लोग गट्टे भी देख लेते हैं। और ये देखिए हमारे गट्टे एकदम से बन करके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए इनके पकने की एक निशानी है कि इनके ऊपर हल्के हल्के बबल जैसे आ जाते हैं गट्टों के ऊपर,
तो समझिए कि हमारे गट्टे बन चुके हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और गट्टों को बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए इसके ऊपर जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से होना बहुत ज़रूरी है गट्टों पे। अगर इस तरह से बने हैं गट्टे तो आपके एकदम से सही गट्टे बने हैं। और ये जो बचा हुआ पानी है इसको हम लोग फेंकेंगे नहीं, जिसमें हमने गट्टे बॉईल किए इसको फेंकना नहीं है, इसको एक बर्तन में निकाल के रख लेना है हमें। और ये मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे, अब इसको थोड़ा सा हिला देते हैं। ये मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक को घिस करके रखा है और ये मैंने हरी मिर्ची काटी है। अब हम लोग इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। इसके बाद इसको थोड़ा सा भूनना है। तो ये देखिए हल्का सा ही हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे और ये देखिए मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और अब हम इसमें, मैंने टमाटर की प्योरी बना के रखी है, ये मैंने यहाँ पे दो टमाटर लिए हैं, तो अब उसको ऐड कर देंगे। इसको पूरे अच्छे से इसमें मिला देंगे। अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक ये प्योरी पूरी तेल नहीं छोड़ दे। और तब तक हम लोग क्या करते हैं, गट्टों को कट कर लेते हैं। और इनको हमें इस तरह से कट करना है, चाकू ले करके इस तरह से। तो ये देखिए हमें इसी तरह से काटने हैं, ना ज़्यादा बड़े काटने हैं और ना ही ज़्यादा छोटे पीस लेने हैं हमें। इस तरह से करते हुए हम लोग सारे गट्टों को काट लेंगे। ये देखिए तो ये देखिए हमारे सारे गट्टे कट चुके हैं। तो ये देखिए हमारे गट्टे रेडी हो चुके हैं। इधर हम लोगों ने मसाला देखा है तो अभी ये नहीं हुआ है, इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। इस तरह से इसको हिलाते हुए थोड़ी देर और पका लेंगे। तो ये देखिए हमारा मसाला रेडी हो चुका है, इसने तेल छोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने दही में मसाला मिला के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये मैंने लहसुन को कूट करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके रखा हुआ है, तो वो लहसुन भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हमें क्या करना है कि गैस की फ्लेम कम करके इसको जल्दी जल्दी घुमाना है, नहीं तो हमारा दही जो है वो फट जाएगा। तो इसको फटाफट हिलाते हुए हम लोग, जब तक इसमें बबल्स नहीं आएंगे तब तक हमें हिलाना है। तो ये देखिए इसमें हल्के हल्के बबल्स आने लग गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ढक करके 5-15 मिनट तक इसको फिर पकाएंगे। और ये देखिए मसाले ने पूरी तरह से तेल छोड़ दिया है और हमारा मसाला बन करके पूरा एकदम से अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें गट्टे ऐड करेंगे। ये देखिए गट्टे भी ऐड हो चुके हैं। अब इनको मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए और कुक करेंगे। अगर आपको इसमें ग्रेवी बनानी है तो आप इसमें ग्रेवी बनाइए, अगर नहीं बनाना चाहते तो आप इसी तरह से गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ग्रेवी बनाऊंगी। तो इसके लिए जो पानी हमने गट्टों का जो बॉईल किया, गट्टे बॉईल किए हुए जो पानी था, वो ही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। देखिए ये पानी ऐड कर दिया इसमें और इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको ढक करके 2-3 मिनट के लिए और पकाएंगे।
तो ये देखिए हमारी गट्टों की सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम से बन करके पूरी तरह से रेडी है ये। ये देखिए बन चुकी है हमारे गट्टों की सब्जी। इसे आप भी बनाइए, खाइए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसी लगी।